हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेट सेट कोनो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे थ्योरीज एंड मॉडल सेक्शन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और ये पार्ट नंबर 3 है। हम लोग पार्ट नंबर 2 पे डिस्कस किए थे टोटल 10 क्वेश्चंस, जो कि 31 तक जो है ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे 32 से लेके 42 यानी 10 क्वेश्चंस यहाँ पर भी देखेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। ये पूरा जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ से दोस्तों आपको डिफरेंट थ्योरीज के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, आप लोग जरूर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इस लेक्चर का PDF फाइल और मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप वेबसाइट में जाके भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे रखे हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अर्बन लैंड यूज एज पर गिवन ग्राफ हैज हाईएस्ट ग्रेडियंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रेंट एट 2 किमी डिस्टेंस। तो 2 किमी डिस्टेंस में, ओके दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट कौन सी फीचर की है, कौन सी अर्बन लैंड यूज की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक रेंट, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट अर्बन लैंड यूज है, कमर्शियल लैंड यूज, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक रेंट यानी हाइस्ट ग्रेडियंट है जिसका, वो है कमर्शियल का। कमर्शियल देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो है इकोनॉमिक रेंट सबसे ऊपर देख सकते हैं, इकोनॉमिक सॉरी कमर्शियल का ही है। ठीक है, 2 किमी के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाइट है कमर्शियल का ही है, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये ऑब्वियसली कमर्शियल के अंदर ही जा रहा है। और इंडस्ट्री का अगर देखेंगे तो बस यहाँ पर यहाँ ही है यहाँ तक, और रेसिडेंशियल का देखिए तो यहाँ तक है रेसिडेंशियल 2 किमी में यहाँ तक। ओके, और ग्रीनलैंड तो आपका ये यहाँ पर ही देख सकते हैं नीचे। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रेंट यानी हाईएस्ट ग्रेडियंट जो है जिसका है, वो है कमर्शियल। ओके, कमर्शियल यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कमर्शियल। और दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका बिड रेंट थ्योरी से। बिड रेंट में आपको लास्ट में समझाऊंगा, लास्ट जो क्वेश्चन है वो बिड रेंट थ्योरी से ही लिया गया है। यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इनिशिएटेड कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोडेपेंस इन स्पेस इकोनॉमी। आइसोडेपेंस कॉन्सेप्ट किसने इनिशिएट यानी शुरू किया था अपने कौन सी थ्योरी में, स्पेस इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में? तो सबसे पहले जो इनिशिएट करता है आइसोडेपेंस, वो है दोस्तों अल्फ्रेड वेबर। तो इनका थ्योरी का नाम क्या है? नाम है दोस्तों लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। तो इनका थ्योरी का देखिए प्रिंसिपल था लीस्ट कॉस्ट लोकेशन। ठीक है, ये बुक का नाम भी देख लीजिए। ये जो है दोस्तों, ये थ्योरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आइसोडेपेंस मैंने क्या है, इसका माने क्या है दोस्तों, देख लीजिए कि इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और मटेरियल इंडेक्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मटेरियल इंडेक्स क्या है। ये दोस्तों वेबर की थ्योरी में ही ये आपका मिलेगा आपको मटेरियल इंडेक्स। ठीक है, और ये आपका लोकेशन एंड ट्राइंगल, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज यूज टू इंडिकेट इफ द ऑप्टिमल लोकेशन वॉज क्लोजर टू रॉ मटेरियल सोर्स और मार्केट। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो इंडस्ट्री बनेगा, फार्म जो बनेगा, ठीक है, वो रॉ मटेरियल के पास बनेगा या मार्केट के पास बनेगा, यानी मार्केट एरिया में फार्म बनाएंगे आप या रॉ मटेरियल के पास, जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल सोर्स है वहाँ पर। तो ये कौन सी चीज़ जो है, कौन सी इंडेक्स आपका मेजर करता है, ठीक है, जो आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, ये दोस्तों मटेरियल इंडेक्स होगा इसका आंसर, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
वेबर की जो लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन थ्योरी है, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मटेरियल इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, अगर मटेरियल इंडेक्स वन से ज़्यादा है, जो आप कहीं मटेरियल इंडेक्स पहले क्या होता है आपको समझ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मटेरियल इंडेक्स यानी MI इज इक्वल टू वेट ऑफ रॉ मटेरियल, ये वेट ऑफ रॉ मटेरियल है, और वेट ऑफ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर FM लिख देता हूँ, FP सॉरी, फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो अगर इसमें वैल्यू अगर आप एक से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो फार्म है, जो इंडस्ट्री है, वो आप रॉ मटेरियल के पास जो है लगा सकते हैं, इसमें ही लगेगा रॉ मटेरियल के पास अगर ज़्यादा आता है। अगर आपका जो है MI वैल्यू लेस देन वन आता है तो आप मार्केट के पास लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर ज़्यादा आ रहा है तो मटेरियल ओरिएंटेड यानी रॉ मटेरियल के पास आ रहा है लगेगा इंडस्ट्री, और कम होता है तो आपको मार्केट ओरिएंटेड आपका इंडस्ट्री होगा, ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है तो आप मटेरियल के पास भी लगा सकते हैं, रॉ मटेरियल के पास भी लगा सकते हैं, या मार्केट के पास भी जो है आप फार्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपका मटेरियल इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये वेबर की ही कंसेप्ट है मटेरियल इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पे ये भी जो है क्रिस्चलर मॉडल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर जो कि अलग क्वेश्चंस पूछा गया है तो ये हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ क्रिस्चलर मॉडल। तो यहाँ पर देखिए कौन सी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, यहाँ पर जो फिगर है कौन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रिंसिपल कौन सा है आपको पता है, K3, K4 एंड ऑन एक और है, वो कौन सा है, K7। तो K3 क्या है, मार्केट प्रिंसिपल, K4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, और K7 है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका जो ये जो फिगर है ये आपको या ये जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे आपको पता चलेगा, तो आपको फिगर देख के ही पता चलेगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल में क्या होता है, 6 लोअर वन लोअर ऑर्डर, देखिए ये जो हेक्सागोन है दोस्तों, ये देखिए ये हेक्सागोन है आपका, ठीक है, ये पूरा हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन के अंदर पूरा जो 6 ऑर्डर रहेगा, लोअर ऑर्डर सेंटर्स, ये पूरा इनक्लोज रहेगा यानी अंदर रहेगा, ठीक है। ये देखिए हेक्सागोन के अंदर रहेगा 6 ऑर्डर सेंटर्स, ठीक है, और एक हायर ऑर्डर सेंटर रहेगा ये बीच में, ये आपका हायर ऑर्डर सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में सब इक्वली यहाँ पर शेप दिया गया है, लेकिन ये हायर ऑर्डर सेंटर है और ये आपका जो 6 लोअर ऑर्डर सेंटर साइड में दिया गया है ये लोअर ऑर्डर सेंटर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो जितने भी सर्विसेज है दोस्तों, लोअर ऑर्डर सेंटर्स कहाँ से मिलता है, लोअर ऑर्डर सेंटर्स को सर्विसेज वो हायर ऑर्डर सेंटर्स, ये बीच में जो ये वाला है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ से सर्विसेज मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ यानी डायग्राम फिगर, तो ये कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। तो बाकी और भी तो दो हैं, तो दो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए, तो क्रिस्टलर मॉडल ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, थ्रेशोल्ड क्या है, रेंज ऑफ द गुड क्या है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही देखेंगे, प्रिंसिपल्स वगैरह 3 प्रिंसिपल हैं, तो K7 हम लोग ने अभी डिस्कस किया, तो बाकी और भी तो दो है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखिए, यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर क्या कहते हैं आपका डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वही चीज़ वही है, ठीक है, लेकिन फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर वहाँ पर एक ग्राफ दिया था, फिगर दिया था, तो यहाँ पर देखिए 3 ग्राफ है, ठीक है, 3 फिगर है, तो 3 रहे 4 रहे वो आप भूल जाए, ठीक है। आपको बस देखना होगा कि एक हेक्सागन के अंदर कितना आपका आपका क्या कहते हैं लोअर ऑर्डर सेंटर है, कितना हायर ऑर्डर सेंटर है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी सब प्रिंसिपल आपको देखना होगा, ठीक है। तो आपका ये वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी K7, ये ट्रांसपोर्ट है,
ये मार्केटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ से सर्विसेज जो मिलता है लोअर ऑर्डर सेंटर्स को के थ्री में 1/3 मिलता है, यहाँ पर 1/2 यानी हाफ मिलता है, यहाँ पर ये पूरा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मार्केटिंग प्रिंसिपल दोस्तों क्या होता है, 1/3 पॉपुलेशन को सर्विसेज देता है हायर ऑर्डर सेंटर्स। यहाँ पर देखिए मिडिल वाला जो आपका ब्लू वाला है, ठीक है, डीप डीप ब्लू वाला, वो है हायर ऑर्डर सेंटर्स, और साइड में जो है वो है लोअर ऑर्डर सेंटर्स। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि ये सेंट्रल कैपिटल है इंडिया का, ठीक है, और ये आपका स्टेट कैपिटल है, ठीक है। तो सेंट्रल जो आपका दिल्ली वाला कैपिटल है, राजधानी है, तो डिफरेंट स्टेट का जो आपका कैपिटल है उसमें भी जो है सर्विसेज देता है, वो कितना अमाउंट में देता है, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3 जो है सर्विसेज देता है, ठीक है, लोअर ऑर्डर सेंटर को। प्लस अपना जो पॉपुलेशन है, सपोज ये दिल्ली, दिल्ली का जो अपना पॉपुलेशन है उसको भी सर्विसेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसा होगा, हायर ऑर्डर सेंटर यानी सेंट्रल प्लेसेस सर्व्स 1/3 पॉपुलेशन ईच लोअर ऑर्डर सेंटर। तो जितने भी ईच देख बोला गया है, ईच लोअर ऑर्डर सेंटर्स यानी 6 लोअर ऑर्डर सेंटर्स एक हेक्सागन में है, ठीक है। तो उसको दोस्तों 1/3 पॉपुलेशन को जो है सर्विसेज देता है, प्लस अपना सेंटर्स को भी, अपना जो पॉपुलेशन है उसको भी सर्विसेज देता है। तो कैसा ये आपका ये बनेगा, देखिए 1/3 पॉपुलेशन ऑफ 6 लोअर ऑर्डर सेंटर प्लस 1 हायर ऑर्डर सेंटर। तो आप ये देखिए के थ्री कैसा आएगा, देखिए दोस्तों तो के थ्री इज इक्वल टू कैसा होगा, 1 जो सर्विसेज दे रहा है यहाँ पर अपना जो सेंटर, जो अपना जो पॉपुलेशन है अपना कैपिटल में अपने नोड्स में, तो ये आपको 1 आपको पहले ही बिठाना होगा, क्योंकि ये जो हायर ऑर्डर सेंटर है अपना भी तो पॉपुलेशन है, उसका भी जो है सर्विसेज देता है, तो ये एक अपना खुद का हो गया, ठीक है। प्लस 6 आपका जो लोअर ऑर्डर सेंटर है उसको 1/3 सर्विसेज देता है, तो 1/3 इंटू कितना नोड्स है, कितना ये आपका ये है, ठीक है, नोड्स, ये सब नोड्स भी बोला जाता है। तो 6 आपका लोअर ऑर्डर सेंटर से, सेंटर 6 है, तो 6 आपने दे दिया, तो 1 प्लस यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, तो 1 प्लस 2 कितना होगा, 3। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा वह है 3। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा डायग्राम में, के थ्री में जो है आपका जो हेक्सागन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये जो हेक्सागन है दोस्तों के थ्री में, हेक्सागन की यहाँ पर होगा कॉर्नर में लोअर ऑर्डर सेंटर होगा, ठीक है, कॉर्नर में होगा, और मिडिल में कौन है, हायर ऑर्डर सेंटर है। अगर के फोर आता है क्वेश्चन में तो सेंटर्स कहाँ पर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, एज में बनेगा, ठीक है, कॉर्नर में नहीं, एज में बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला दिखाता हूँ मैं कलर में, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, एज पे, ताकि ये डिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए क्रिस्टोलर ने K4 में इन्होंने ये जो लोअर ऑर्डर सेंटर थे ये आपका मिडिल पे दिए हैं, एज पे दिए हैं, ठीक है। और के जो आपका 7 है उसमें क्या आएगा, जो लोअर ऑर्डर सेंटर है ये बीच में रहेगा, ठीक है, बीच में, ठीक है, एज में तो रहेगा लेकिन बीच में रहेगा। मैं आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी आपको दिखाया, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अभी के फोर प्रिंसिपल देखिए, के फोर में क्या होगा, के फोर में हाफ पॉपुलेशन को 6 ऑर्डर का, जो जितने भी यहाँ पर देखिए 6 ऑर्डर यहाँ पर लोअर ऑर्डर सेंटर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर है कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, टोटल कितना लोअर ऑर्डर सेंटर है, 6, और कितना सर्विसेज देता है, हाफ सर्विसेज देता है हर एक सेंटर को, ठीक है। तो हाफ सेंटर, हाफ सर्विसेज तो लोअर ऑर्डर सेंटर का हो गया, और एक खुद का, तो कैसे बनेगा ये कैलकुलेशन, ये 1 तो खुद का बन गया, ठीक है, ये 1 खुद है लोअर हायर ऑर्डर सेंटर्स, प्लस हाफ सर्विसेज जो है 6 ऑर्डर का दे, 6 लोअर ऑर्डर सर्विस सेंटर को देता है,
तो कैसे बने, कैलकुलेट कीजिए, इस तरीके से हो जाएगा 3 दुना 6 यानी 1 प्लस 3, तो ये कितना वैल्यू आएगा, 4। तो ये के फोर प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका हेक्सागोन, सॉरी क्या कहते हैं, लोअर ऑर्डर सेंटर है दोस्तों, यहाँ पर एज पे है, देखिए दोस्तों एज पे, हर एक एज पे है। में उसमें लास्ट में क्या देखा, K3 में कॉर्नर में, यहाँ पर कॉर्नर में देखा, लेकिन यहाँ पर एज पे है, ताकि ये डिस्टेंस मिनिमाइज कर पाए, ठीक है, डिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है, ये K4 प्रिंसिपल है। और लास्ट में एक और है जो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, ये K7 दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, हेक्सागोन की अंदर जो है आपका 6 लोअर ऑर्डर सेंटर रहेगा, और मिडिल जो आपका ये है डीप ब्लू वाला, ये आपका हायर ऑर्डर सेंटर है, ठीक है। हायर ऑर्डर सेंटर कह सकते हैं, हायर ऑर्डर सेटलमेंट कह सकते हैं, और लोअर ऑर्डर सेटलमेंट कह सकते हैं, ये सब जो लाइट ब्लू है। तो आप जो कहें आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, तो ये जो है जितने भी आपका ये है नोड्स है, ठीक है, लोअर ऑर्डर सेंटर है, वो सर्विसेस, ठीक है, इसमें से लेगा, ठीक है, हायर ऑर्डर सेंटर से, ठीक है। और ये पूरा इनक्लोज्ड है, तो जो सर्विसेस यहाँ पर ये लोअर ऑर्डर सेंटर को लेना होगा वो बस यहाँ से ही लेंगे, ठीक है, मिडिल वाला जो हायर ऑर्डर सेंटर है यहाँ से ही लेना होगा। बाकी यहाँ पर जितने भी देखा आपने K4 में, K3 में, ये सर्विसेज यहाँ पर से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकते हैं, डिफरेंट जो आपका ये जो आपका लो ऑर्डर सेंटर है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये वाला जो सेंटर है आपका, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये आपका हायर ऑर्डर सेंटर है, ये लोअर ऑर्डर, डिफरेंट डिफरेंट 6 6 है लोअर ऑर्डर सेंटर, ये आपको पता है। तो ये जो सर्विस है दोस्तों, यहाँ से भी 1/3 ले सकता है, यहाँ से भी ले सकते हैं, इस तरीके से जो है सर्विसेज लेता है। लेकिन K7 में क्या है दोस्तों, ये जो लोअर ऑर्डर सेंटर है ये यहाँ से ही लेना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे जो सेंटर है वहाँ से नहीं ले पाएंगे। अगर ये चाहे, ये जो आपका लोअर ऑर्डर सेंटर है, अगर चाहे कि मैं यहाँ से लूँगा इस हायर ऑर्डर सेंटर से, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसको आपको क्या कहते हैं, ये जो हायर ऑर्डर सेंटर है तो यहाँ से ही लेना होगा, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा देखिए, K7 इज इक्वल टू, ये तो एक जो है आपका खुद का बन गया एक, ठीक है, 1 हायर ऑर्डर सेंटर, तो अपना खुद का पॉपुलेशन है, उसको भी तो सर्विस देना होगा, तो 1 हो गया, प्लस कितना सेंटर से, एक सॉरी 6, तो 6 को जो है पूरा पूरा जो है सर्विसेज देना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए 6 × 1 बन जाएगा, यहाँ पर कोई हाफ 1/3 नहीं है, ठीक है, पूरा की पूरा जो है सर्विसेज देना पड़ेगा। तो ये कैसा होगा, 1 प्लस यहाँ पर 6 बन गया, 6 × 1 यानी 6 बन जाएगा। तो ये 6 + 1 कितना होगा, 7, तो ये क्या हो गया, K7 प्रिंसिपल। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इज करेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन K4 प्रेजेंटेड इन द क्रिस्टोलर सेंट्रल प्लेस मॉडल। सेंट्रल प्लेस मॉडल का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, K4। K4 अभी आपने देखा कौन सा है, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। K7 इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव, K3 इज इक्वल टू आपका मार्केटिंग प्रिंसिपल, ये एग्रीकल्चर नहीं होगा और बाकी ये भी नहीं होगा, K4 हो जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन जो, ये जो मॉडल है दोस्तों सेंट्रल प्लेस मॉडल, ये 100% नहीं, 1000% जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यूजीसी नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू साइकिल थ्योरी, द टू साइकिल थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न्स वाज प्रपोज्ड बाय। टू साइकिल थ्योरी से भी क्वेश्चंस बहुत सारा आया है, आपको पता है पिछले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं वहाँ से भी, वहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो टू साइकिल थ्योरी डेविस ने दिया था, और भी कैवर्न फॉर्मेशन थ्योरीज है, जैसे कि वाटर टेबल थ्योरी, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी, इन्वेजन थ्योरी, देखिए कौन सा स्कॉलर कौन सा थ्योरी दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिपिक्ट्स सॉरी एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी मॉडल एंड पोटेंशियल मॉडल। तो ग्रेविटी मॉडल और पोटेंशियल मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो जो है कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, हम लोग को देखना होगा करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेविटी एंड पोटेंशियल मॉडल। तो दोस्तों इसका आंसर पहला नंबर ही होगा क्योंकि यहाँ पर ही जो है करेक्टली आपका एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो ग्रेविटी मॉडल डील्स विद ओनली टू प्लेसेस एट अ टाइम, तो दो जगह की जो है इंटरेक्शन यहाँ पर डील होता है ग्रेविटी मॉडल में। और यहाँ पर देखिए व्हेल पोटेंशियल मॉडल अकाउंट्स फॉर इंटरेक्शन बिटवीन मेनी प्लेसेस, तो यहाँ पर मेनी प्लेसेस का जो है इंटरेक्शन अकाउंट्स किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है बेस्ड है आइजैक न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ के ऊपर, और ये थ्योरी दिए हैं स्टुअर्ट ने जो कि माइग्रेशन थ्योरीज है, ठीक है। और इन्होंने एक आपका फार्मूला भी दिए हैं ये ग्रेविटी मॉडल मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं P1 + P1 × P2 यानी पॉपुलेशन ऑफ सिटी वन और पॉपुलेशन ऑफ सिटी टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ये डी स्क्वायर यानी क्या होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, तो आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं। और ये आपका पोटेंशियल मेथड जो कि मोर देन टू सिटीज़ के बीच में जो है इंटरेक्शन होता है पोटेंशियल मॉडल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर दो एसासन रीजन मिला है, सॉरी यहाँ पर एसासन रीजन का क्वेश्चन मिला है जो कि अर्बन ज्योग्राफी से पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसासन में क्या बोला गया है, एसासन में देखिए सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला गया है। सीबीडी ऑफ ए सिटी हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होलसेल स्टोर्स ऑफिसेस एंड कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो बिल्कुल सही है, ये सीबीडी में जो है सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका होलसेल स्टोर का, ऑफिसेस का, और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे कि पार्क हो गया, बहुत सारा म्यूजियम हो गया, तो ये सब जो है यहाँ पर सीबीडी में ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, करेक्ट है। रीजन देखिए, प्राइसेस एंड डिमांड ऑफ रियल इस्टेट इंक्रीजेस एज डिस्टेंस टूअर्ड्स सीबीडी रिड्यूसेस, यानी सीबीडी की तरफ जितना जो है आपका डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी करीब आ रहे हैं सीबीडी की तरफ, तो आपका क्या होगा रियल इस्टेट्स का जो है प्राइसेस भी ज़्यादा होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप विलेज में रह रहे हैं, विलेज में कोई जगह पर अगर आपके आसपास में कहीं पर भी रूम रेंट दे रहा है, ठीक है, आपको मैं ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर रूम रेंट कहीं पर दे रहा है तो आप पूछिएगा कि रूम रेंट कितना है, ठीक है, पर डे या पर मंथ क्या, ठीक है। तो यह गांव में बहुत कम होगा, लेकिन सीबीडी यानी टाउन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रियल इस्टेट का जो है प्राइसेस डिमांड ज़्यादा है। तो दोनों जो स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ ये एंड आर इज ट्रू आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंबर थ्री। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है मॉडल कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन की। तो यहाँ पर देखिए मॉडल दिया गया है सेंट्रल मॉडल, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, बिड रेंट थ्योरी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सेंट्रल मॉडल, सेंट्रल मॉडल का डेफिनेशन देखते हैं जो कि होमर हाइट ने दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फोर होगा, मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी जिन व्हिच सोशल ग्रुप्स आर अरेंज्ड अराउंड ए सीरीज ऑफ सेक्टर्स और वेजेस रेडिएटिंग फ्रॉम सीबीडी। तो ये टर्म दोस्तों सेक्टर्स और वेजेस, इस टर्म से भी सेक्टरल मॉडल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर, ये जूम कैसे हो गया भाई, तो एक मिनट, तो ये कौन सा होगा, फोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल,
कॉन्सेंट्रिंग जोन मॉडल में क्या होता है, रिंग्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर वन पे मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज इन व्हिच सोशल ग्रुप्स आर स्पेशली अरेंज इन ए सीरीज ऑफ रिंग्स, तो रिंग्स से भी आप लोग लगा सकते हैं। तो बी हो गया वन। ओके अब कौन सा बाकी है, सीबीडी सॉरी बिडरेंट थ्योरी। बिडरेंट थ्योरी में क्या होता है दोस्तों, इस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है प्राइस और डिमांड जो है आपका ऑफ रियल इस्टेट चेंजेस होता है। रियल इस्टेट का प्राइस और डिमांड चेंजेस होता है जैसे या विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सीबीडी। तो सीबीडी से जो है अगर इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, सीबीडी से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका रियल इस्टेट का जो है आपका डिमांड और प्राइस दोनों ही डिक्रीज होगा। अगर आप सीबीडी की करीब में आ रहा है तो दोनों ही इंक्रीज होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन करता है बिडरेंट थ्योरी में, ठीक है। तो सी हो गया थ्री। ओके और कौन सा बाकी है, डी बाकी है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो ये टू वाला बाकी है। न्यूक्लियस ऑफ ए सिटी वेयर रिटेल स्टोर्स एंड ऑफिसेस आर कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफिसेस का, रिटेल स्टोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, पहले क्या आया फोर, देन इसके बाद वन आया, देन इसके बाद थ्री एंड टू, फोर वन थ्री टू, फोर वन थ्री टू ऑप्शन नंबर टू पे है। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिडरेंट थ्योरी के मैं बताऊंगा। तो बिडरेंट थ्योरी में बेसिकली यही है, एक इकोनॉमिक थ्योरी जिसमें जो है प्राइसेस और डिमांड कैसे चेंजेस होता है रियल इस्टेट का, बेसिकली यहाँ पर इस थ्योरी में यही हम लोग जान पाएंगे, ठीक है। तो जे अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है सीबीडी से, यहाँ सपोज यहाँ पर सीबीडी है, ठीक है, ग्रीन वाला सीबीडी है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो अगर यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, दूर जा रहे हैं दोनों तरफ, तो आपका जो है प्राइसेस और डिमांड कम होगा। अगर आप सीबीडी की तरफ आ रहे हैं यानी सीबीडी की नियरनेस से आ रहा है करीब में, तो आपका ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखिए रिटेल स्टोर का सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेंट ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमिक रेंट, देन मैन्युफैक्चरिंग का, देन रेजिडेंशियल का, ठीक है। तो दोस्तों बिड रेंट थ्योरी में क्या हम लोग जाना कि इसमें हम लोग को पता चला कि डिमांड और प्राइसेस जो है रियल इस्टेट का वो चेंजेस होता है, ठीक है, विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सीबीडी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिपिक्ट्स द थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर फिर से क्या मिल गया हम लोग को, थ्रेशोल्ड। ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है, रिपीट बहुत बार होता है, थ्रेशोल्ड रेंज ऑफ द गुड्स और के थ्री के फोर के क्या है, यह सब चीज़ें बहुत बार यहाँ पर नेट की क्वेश्चन में सॉरी नेट की एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड वो है दोस्तों देखिए मिनिमम पॉपुलेशन को समझाता है यानी इंडिकेट करता है, थ्रेशोल्ड मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए रिक्वायर्ड फॉर दी एक्टिवेट ए सर्विसेज या सपोर्ट ए सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थ्री पे, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू सपोर्ट ए सर्विसेज, किसी भी सर्विसेज को जिंदा रखना है या चलाना है तो मिनिमम जो पॉपुलेशन चाहिए, मिनिमम जो कस्टमर चाहिए उसको ही थ्रेशोल्ड बोला जाता है। और रेंज ऑफ द गुड्स क्या है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस से उस सर्विसेज को लेना चाहता है, डिस्टेंस कवर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके ट्रैवल करके आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ को रेंज ऑफ द गुड्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज एक्सप्लेन बाय द फिगर बाय द गिवन फिगर बिलो। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए आप लोग देखे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड और रेंज फिर से दे दिया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये सेंट्रल प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है, सेंट्रल प्लेस मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल दोस्तों, 1933 में दिया था, कौन दिया था, क्रिस्टोला ने, जो कि साउदर्न जर्मनी के ऊपर जो है स्टडी, पूरा स्टडी जो है साउदर्न जर्मनी के ऊपर हुआ था, ठीक है, साउदर्न जर्मनी के ऊपर जो है बेसिस करके सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दिया था, क्रिस्टोला ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा VVI 1000 टाइम अगर लिख दिया VVI तब भी कम होगा UGC नेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों
क्या कहते हैं पीडीएफ और मॉक टेस्ट का लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा जो है आप लोगों को मॉक टेस्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोवाइड करूँ, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से जो है 2-3 दिन बहुत बिजी रहा, जिसके कारण जो है आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसी के कारण जो है वीडियो भी नहीं आ पा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना भी आपको दे सकूँ एग्ज़ाम के पहले, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट देना, आप लोग ज़रूर सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।